एवरीवन, वेलकम बैक ऑन दिस यूट्यूब चैनल होम्योबडी। सो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक और होम्योपैथिक सब्जेक्ट के बारे में जिसका नाम है रिपर्ट्री, जिसको स्पेशली फोर्थ ईयर में आके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो आज मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ कि रिपर्ट्री होती क्या है और इसको हमें कहाँ यूज करना चाहिए और कहाँ यूज नहीं करना चाहिए। सो दिस वीडियो इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द बिगनर्स, जो भी स्टूडेंट्स हैं फोर्थ ईयर के, उनको शुरू में इस वीडियो से बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। सो लेट गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिपर्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है। सो बेसिकली रिपर्ट्री इज अ सिस्टमिकली एंड लॉजिकली अरेंज्ड इंडेक्स टू होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। मतलब कि आप सब अभी तक जानते होंगे कि होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका क्या है। सबने बहुत ट्राई भी कर लिया होगा सिम्टम्स को याद रखने की कोशिश की होगी, रटा होगा, समझा होगा, ट्रिक्स बनाई होंगी, बहुत कुछ किया होगा, है ना। और कहीं ना कहीं एक मूवमेंट पे हम सोचते हैं कि अरे यार ये तो सिम्टम्स ही याद नहीं होते हैं, कैसे याद होंगे। तो इन सारे सिम्टम्स को याद रखना, होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका बहुत ज्यादा वास्ट है, इसको याद रखना इतना इजी नहीं है। तो इसी के लिए एक इंडेक्स बनाई गई है, होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका की इंडेक्स है रिपर्ट्री, जो कि बहुत ही लॉजिकली और सिस्टमिकली अरेंज की गई है, ठीक है, विच इज फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। फ्रॉम कहां से कलेक्ट की गई है सारी इंफॉर्मेशन? फ्रॉम टॉक्सिकोलॉजी, फ्रॉम ड्रग प्रूविंग एंड फ्रॉम द क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस, ठीक है। सो बेसिकली होता क्या है रिपर्ट्री में, रिपर्ट्री हमें एक स्मॉल ग्रुप ऑफ मेडिसिन तक पहुंचा देती है। देखो इतनी सारी मेडिसिन हैं, ठीक है, तो अगर हम किसी पेशेंट को सही करना चाहते हैं, हम उसका इलाज करना चाहते हैं, सो रिपर्ट्री क्या करती है, हमें एक हद तक छोटी, अगर आपके पास मान लो 500 मेडिसिन हैं टोटल, ठीक है, 500 मेडिसिन में से आपको रिपर्ट्री 10 या 12 मेडिसिन पे लाके छोड़ देती है। तो रिपर्ट्री इस तरीके से हेल्प करती है। बट रिपर्ट्री का यूज करके आप ये सोचो कि अब हमें कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको ऑर्गेनॉन, मटेरिया मेडिका, इन दोनों को भी साथ साथ उतना ही पढ़ना पड़ेगा अगर आप रिपर्ट्री को समझना चाहते हैं तो, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारी डिसीज होती है, जो पेशेंट्स की डिसीज होती है, उसके और मटेरिया मेडिका के बीच का एक लिंक होता है होम्योपैथिक रिपर्ट्री, ओके। आई थिंक ये चीज सबको अभी तक क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे कि होम्योपैथिक रिपर्ट्री का हमें यूज कहाँ कहाँ पर करना चाहिए। सो ऐसे केसेस में इनका यूज करना चाहिए जो कि बहुत ज्यादा क्रोनिक हो गए हैं, जिनके सिम्टम्स हमें इजिली नहीं मिल रहे हैं, या फिर जो मिसमैनेज केस होते हैं। हम रिपर्ट्री का यूज वहां कर सकते हैं जहां पर हमें कुछ मेडिसिन सेम सी दिख रही हो कि यार इस मेडिसिन के अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, तो हम इस तरीके से होम्योपैथिक रिपर्ट्री के थ्रू कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ रेमेडीज तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। या फिर हम ऐसे केसेस में यूज कर सकते हैं जहां पर हमें क्लियर पिक्चर ना मिल रही हो, तो इसमें हम बेसिक रेमेडीज तक पहुंच जाते हैं। उसके अलावा रिपर्ट्री का यूज सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन के लिए और रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज को समझने के लिए भी किया जाता है। नाउ अ क्वेश्चन राइजेस कि रिपर्ट्री का यूज कहां नहीं करना चाहिए। सो जहां पर आपको एग्जैक्ट सिमिलर सिम्टम मिल रहा है, हम कह सकते हैं सिमिलिमम मिल रही है, तो वहां पर आपको रिपर्ट्री यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपने पेशेंट के अंदर कोई बहुत ही स्ट्राइकिंग फीचर मिल रहा है जो कि आपने होम्योपैथिक मेडिका के अंदर पढ़ा हुआ है, तो जस्ट गो फॉर दैट, आपको रिपर्ट्राइजेशन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइज, आगे इस टॉपिक से रिलेटेड मैं और वीडियोस बनाती रहूंगी रिलेटेड टू रिपर्ट्री, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।